आंगनवाड़ी प्ले वे स्कूल एवं सीबीएसई स्कूल में शिक्षक की नियुक्ति में कारगर होगा एनटीटी और पीटीटी और एनपीटीटी और सीटीटीटी कोर्स। नई शिक्षा नीति के अनुसार प्ले स्कूल एवं आंगनवाड़ी केंद्रों में पढ़ाने के लिए आने वाले समय में आंगनवाड़ी प्ले वे स्कूल एवं सीबीएसई स्कूल में शिक्षक की नियुक्ति में एनटीटी और पीटीटी एनपीटीटी सीटीटी कोर्स करना आवश्यक है। वहीं अब प्रशिक्षित शिक्षकों की आवश्यकता को लेकर यह कोर्स अति महत्वपूर्ण है। नई शिक्षा नीति के अनुसार 3 से 6 वर्ष के बच्चों में शारीरिक मानसिक व भावनात्मक विकास को बढ़ावा देने के लिए इस कोर्स को लाया गया है। वहीं यह पुरुष और महिलाओं में रोजगार की संभावनाओं को विकसित करता है। इस कोर्स के शुरू होने से छात्र एवं छात्राओं को रोजगार परक शिक्षा का मार्ग भी खुल गया है। 2 वर्ष के कोर्स की अवधि में प्रशिक्षण के दौरान छात्र छात्राओं को बाल मनोविज्ञान का विशेष अध्ययन कराया जाएगा। इसकी मदद से ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के बच्चों में तकनीकी रुझान पैदा करना, एकता, साहस और कंप्यूटर के प्रति बच्चों को आकर्षित करने को लेकर पूरा प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस संबंध में अपने तमाम बहनों से ये कहना है कि आज एनटीटी करना सभी बहनों के लिए अनिवार्य है। विगत कई राज्यों में हम लोगों ने देखा है कि आंगनबाड़ी प्लेवे स्कूल एवं सीबीएसई स्कूलों में पढ़ाने के लिए एनटीटी करना अब अनिवार्य हो गया। अनिवार्यता बिहार सरकार जब भी दे, हम लोग प्रयास शक्ति एजुकेशनल ट्रस्ट के द्वारा, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो रजिस्टर्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी न्यू दिल्ली के द्वारा है, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर है 2735, उससे हम लोगों ने पूरे बिहार में इस कार्यक्रम को चलाने का आह्वान किया है, जिसमें अभी हम लोग पश्चिमी चंपारण जिला के कुछ हमारे अपने पब्लिक स्कूल्स हैं जहां से हम लोग सेंटर ऑर्गेनाइज किए हैं, जिसमें पहला पब्लिक स्कूल आता है बिरबल कंसेप्ट स्कूल एंड कोचिंग न्यू मार्केट नियर मिडिल स्कूल पिड़ारी। इसका एड्रेस है न्यू मार्केट नियर मिडिल स्कूल पिड़ारी, यह एक सेंटर है। इस सेंटर के इर्द गिर्द के जितने भी लाभार्थी हैं वो यहां से अपना लाभ उठा सकते हैं। दूसरा सेंटर है डायमंड स्कूलिंग एंड डे बोर्डिंग स्कूल मेन रोड नौतन, डायमंड स्कूलिंग एंड डे बोर्डिंग। तीसरा स्कूल है आइकॉनिक इंटरनेशनल स्कूल बैसखवा बाजार, जो बैसखवा बाजार के इर्द गिर्द के लोग हैं वो वहां से उसका फायदा उठा सकते हैं। तीसरा है ग्लोबल पब्लिक स्कूल नुनिया टोली चौक नरकटियागंज। चौथा है सालनी विद्या निकेतन सिरनी परसा अरेराज, यह अरेराज के अंतर्गत आता है। सिरनी से थोड़ी दूर आगे पर परसा गांव है जहां सालनी विद्या निकेतन स्कूल है। चौथा आता है MSSM पब्लिक स्कूल जौकटिया और MS कोचिंग सेंटर पहाड़पुर, यह रंजीत सर के द्वारा संचालित है। उनके इन दोनों सेंटर पर एक एडमिशन सेंटर है और एक स्टडी सेंटर है जो दिया गया है। बिहार के मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में माँ सरस्वती शिशु मंदिर बेलहा बथनाहा घोघड़िया रोड मधुबनी में हमारा सेंटर है, जो कि मिडिल स्कूल के नियर है। माँ सरस्वती शिशु मंदिर बेलहा घोघड़िया रोड मधुबनी है। ये हमारे सारे सेंटर होगा। आगामी और सेंटर एक आध सप्ताह में सभी जगहों पर खुल जाएंगे। हर महिलाओं को नजदीक सेंटर पर जाकर हर सैटरडे संडे अपना ट्रेनिंग करना है। बहुत सारे लोग एनटीटी की ट्रेनिंग करा रहे हैं, बट क्या वो करा रहे हैं मैं नहीं जानता, लेकिन प्रयास शक्ति एजुकेशनल ट्रस्ट जब भी ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज कराता है तो प्रॉपर वे में असाइनमेंट तैयार कराना, उनको नर्सरी टीचर ट्रेनिंग के बारे में बताना, छोटे बच्चों को कैसे पढ़ाना है, प्लेवे स्कूल में कैसे पढ़ाना है, आंगनबाड़ी में यदि उनकी बहाली हो जाती है, स्मार्ट आंगनबाड़ी बिहार सरकार अब करने जा रही है, उसमें हम लोगों ने यदि हमारे एनटीटी की छात्र छात्राओं का एडमिशन हो चुका है। मेरा सेंटर पर अभी 45 स्टूडेंट का एडमिशन हो चुका है। अभी इसके लिए जो है और भी बहुत से लाइन में हैं, अभी सब आ रहे हैं, बात कर रहे हैं। क्या ये व्यवस्था आपको अच्छी लग रही है? जी, बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि जो है नए शिक्षा नीति के तहत जो है सरकार जो ये शो कर दी 5 की जो प्राइमरी स्कूल को, मैंने सरकारी स्कूल में प्राइमरी बच्चों को भी पढ़ाना है, जैसे KG LKG जिस तरह हम लोग प्राइवेट स्कूल में चलाते हैं उस तरह सरकारी स्कूल में भी जोड़ दिया, जिसके कारण से जो है उसका भी बहाल, निश्चित रूप से जब नई शिक्षा नीति पूर्ण रूप से लागू हो जाएगी बिहार या अदर सभी स्टेट में, तो ये निश्चित रूप से इसका जो है जरूरत पड़ेगा, सरकार उसकी बहाली करेगी। तो कुछ हम लोग देखे नेट से भी 70% दे रहा है, जैसे हिमाचल प्रदेश में
यानी आप संतुष्ट हैं? हाँ, हम इसे संतुष्ट हैं। आपका परिचय? मेरा नाम कुमार बिरवल है, मैं बिरवल कॉन्सेप्ट स्कूल एंड कोचिंग मेरा यहाँ पे स्थापित है। 2011 से ही चल रहा है। कौन सी जगह है ये? पिराड़ी है, वेस्ट चंपारण पिराड़ी में मैटा प्रखंड में आता है। और यहाँ जो है कोचिंग स्कूल में बहुत सारे बच्चे हैं, 700 बच्चे स्कूल और कोचिंग मिला के पढ़ते हैं। अभी एनटीटी में भी 45 बच्चों का एडमिशन हो चुका है और बहुत सारे बच्चे लाएंगे। क्राइम ब्यूरो जय किशोर शर्मा की रिपोर्ट। सोमवार के दिन मझोलिया पुलिस व ALTF के संयुक्त छापेमारी में अहवर कुड़िया पंचायत स्थित वार्ड नंबर 11 मुसहर टोली में की गई छापेमारी, जिसमें से करीब 6 लीटर देशी चुलाई शराब बरामद हुई। ये जानकारी इंस्पेक्टर शह थाना अध्यक्ष अशोक कुमार ने दी। उन्होंने बताया कि छापेमारी के दौरान संतोष मांझी पिता राम बली मांझी के घर से 2 लीटर देशी चुलाई शराब, विक्रम मांझी पिता मुखलाल मांझी के घर से 1 लीटर, सगुनी मांझी सुखदेव मांझी के घर से 1 लीटर शराब बरामद हुई। इन लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। इनके विरुद्ध पूर्व में थाना कांड संख्या 423 20 दिनांक 16/6/2020 धारा 30A 37C बिहार मद निषेध एवं उत्पाद अधिनियम 2016 के नामजद अभियुक्त रामेश्वर धांगड़ पिता बद्री धांगड़ शाकिन अम्बवा बाजार धांगड़ टोली वार्ड नंबर 7 निवासी को मझोलिया पुलिस ने गिरफ्तार किया। इस छापेमारी दल में ALTF पुलिस तथा अवर निरीक्षक विनोद कुमार सिंह, प्रशिक्षु दरोगा अनुज कुमार सहित पुलिस बल शामिल रहे। पुलिसिया कार्यवाही से शराब कारोबारियों में हड़कंप सा मचा हुआ है। कल संध्या ALTF टीम एवं मझोलिया थाना पदाधिकारी मेरे द्वारा छापामारी किया गया, जिसमें आहवर कुड़िया मूसा टोली वार्ड नंबर 11 में छापामारी किया गया, जिसमें 4 व्यक्ति के घर से 2 के पास से 2-2 लीटर और 2 के पास से 1-1 लीटर देसी चुलाई शराब बरामद हुई है, जिसमें संतोष मांझी विक्रम मांझी सगुनी मांझी और घोघा मांझी के घर से बरामद हुआ है। ये लोग सभी अभी घटनास्थल से फरार पाए गए, लेकिन इन लोगों के विरुद्ध में प्राथमिकी दर्ज की दी गई। साथ ही मझोलिया थाना कांड संख्या 423/20 दिनांक 16/6/2020 धारा 30A 37C बिहार मद निषेध एवं उत्पाद अधिनियम 2016 के अंतर्गत दर्ज किया गया था, जिसमें प्राथमिकी अभियुक्त राजेश्वर ढांगर पिता बद्री ढांगर साकिब अमन बाजार से वार्ड नंबर 7 से गिरफ्तार किया गया है। इन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेजा जा रहा है। ये पूर्व के कारोबारी। R9 भारत के लिए मनीष कुमार की रिपोर्ट मझोलिया पश्चिमी चंपारण से।